वेलकम टू माय चैनल चीज़ बैग्स। टुडेज़ रेसिपी इज छोले भटूरे। भटूरे यहाँ पे मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाए हैं। ना इसमें मैंने कोई चीनी डाली है, ना रवा, ना सूजी। इसमें मैंने डाला है ब्रेड स्लाइस, 2 से 3 भिगो के रखा था, मैश किया हुआ था। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्रेविंग्स को। 1 कप छोले को रात भर भिगो के रखना है गुनगुने पानी में। भटूरे बनाने के लिए हमें लगेगा पानी, छाना हुआ मैदा 2 कप, दही 3/4 कप, ब्रेड स्लाइस 2 से 3 पानी में सोक किए हुए भिगो के मैश करके रखने हैं, नमक स्वाद अनुसार और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। मैदा अच्छे से छान के लेने के बाद इसमें मैं बेकिंग सोडा और नमक डालने वाली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं दही मिलाऊंगी और मैश किया हुआ ब्रेड स्लाइस, ये देखिए। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें आटा गूंदना है। थोड़ा सा पानी भी डालिए। आटा गूंदने के बाद हम इसमें तेल लगाएंगे और अच्छे से आटा गूंद के 3 से 4 घंटे तक रखेंगे। कम से कम हमें 3 से 4 घंटे तक इसे रखना ही है ताकि हमारे भटूरे अच्छे से फूले। अब एक गोला लें, उसे दबाकर लोई बनाइए, देखिए इस तरीके से। अब इसे बेल लें, कम से कम 5 से 6 इंच। भटूरे को ज़्यादा मोटा या पतला ना बेलें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। ध्यान रखिए कि तेल ज़्यादा गरम ना हो भटूरे तलते वक्त। हमें इसे मध्यम आंच पे तलना है। जब भटूरा फूलने लगे तो इसे धीरे से पलटे और इसे हल्का सुनहरा होने तक तले। ब्रेड स्लाइस की वजह से ये भटूरे बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते। इसी प्रकार से आप बाकी के भी भटूरे तल लीजिए। तो चलिए देखते हैं छोले की रेसिपी। भिगोए हुए छोले 1 कप, 1 आलू जिसका मैंने छिलका निकाला है, टमाटर की प्यूरी 1 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 3 चम्मच, प्याज की प्यूरी 1 कप। यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जीरा 2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1-1 चम्मच, छोले मसाला 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग लिया है मैंने, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी, धनिया गार्निश करने के लिए और चाय पत्ती का पानी लिया है 1/2 कप। अब इन छोलों का पानी निकाल के मैंने कुकर में डाला है। इसमें अब मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है। इसमें वो 1 आलू डालेंगे हम। इसमें सब खड़े मसाले डालेंगे, घर पे जो भी अवेलेबल हो अब वो खड़े मसाले डाल सकते हैं। और इसमें मैंने चाय पत्ती का पानी डाला है, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल और हल्का सा बेकिंग सोडा डाला है मैंने, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इसे मैं 4 सीटी पे धीमी आंच पे पकाऊंगी। ये देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। आलू को मैंने मैश करके लिया है। अब एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम कीजिए। तेल गरम होने के बाद इसमें जाएगा चुटकी भर हींग, जीरा, प्याज की प्योरी। इसे धीमी आंच पे भूनना है हमें कम से कम 10 मिनट। फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे हम, हल्दी पाउडर,
टमाटर की प्योरी। इसे 10 मिनट तक वापस हमें भूनना है। अच्छे से तेल छूटने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और आधा कप पानी डालिए। नमक डालिए स्वाद अनुसार। इसमें मैश किया हुआ पोटैटो डाला है मैंने। आलू डालने के बाद देखिए इसमें तेल छूटा है। तेल छूटने के बाद हम इसमें छोले ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें मैंने गार्निश किया है कसूरी मेथी और धनिया के साथ। हमारे गरम गरम छोले तैयार है। आप इसे भटोरे के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ, पूरी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। सर्व कीजिए छोले भटोरे विद मसाला पापड़।